22 करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 22। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज फिर हम लोग वर्गमूल और उसके प्रतिरूप के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वाली वर्कशीट में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिले तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वर्कशीट देख सकते हैं। मेरी सारी वर्कशीट्स अपलोड है, आप लोग उसके लिए प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें। मैंने सारी प्लेलिस्ट क्लास वाइज बना दी है, आप जैसे ही अपनी क्लास की प्लेलिस्ट खोलेंगे आपको अपनी क्लास की सारी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी चैनल जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ लिखा है आओ कुछ अन्य प्रश्न हल करें। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये आपको छह क्वेश्चन एक साथ दिए गए। तो आप यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे, मैं आपको फटाफट सारे क्वेश्चन एक ही बार में आंसर शीट पे समझा दूंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे अब ये देखिए ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2000 में से एक माइनस कर देंगे तो ये 1999 आएगा, और वहीं आप 2000 में से एक प्लस कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2001 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अब यहाँ देखिए आपका 2000 का स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, और यहाँ 1 का अलग बन गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, आंसर शीट पे ही समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले का आंसर ये लिखा है ना, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसको हम कर लेंगे 2000 माइनस एक और इसे मान लेंगे 2000 प्लस एक, ठीक। तो हम ये 2000 जो है इनको ए मान लेते हैं, जैसे ए माइनस वन, ठीक है, ए माइनस वन, और यहाँ पे कर लेते हैं ए प्लस वन, ठीक है। ये गलती हो गई है, ये आप लोग नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्ट लिखेंगे ए प्लस वन, ठीक है। इस तरह से जब आप लोग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ए और ए दो बार आ रहा है तो ए स्क्वायर हो गया, इसी तरह से वन वन दो बार आ रहा है वन स्क्वायर हो गया, यह माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं माइनस, ठीक। अब देखिए ए की जगह पर क्या है 2000, तो 2000 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए 2000 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 2 2 4 हो जाता है, और जितने जीरो हैं वो डबल होके आ जाते हैं, या 3 है तो या 6 जीरो आ गए, ठीक है। अब यहाँ आपका आ गया 1, क्योंकि 1 1 1 ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ आप क्या करेंगे, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, तो आपको माइनस करना तो आता ही है। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है 24 × 26, ठीक है। तो इनको आप 25 + 1 कर देंगे, एक करेंगे 25 − 24, एक लगेंगे 25 + 24, ठीक है। तो 25 + जो होगा वो 26 हो जाएगा, जो 25 - होगा वो 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अब आप देख सकते हैं किस तरह से आपको दोनों ये ए मान लिए जाएंगे, तो ये ए माइनस वन, ये ए प्लस वन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये ए है तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस है, इसे माइनस हो के ये आ जाएगा। तो अब 5 है तो 5, ये 25 है, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, एक का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है। अब 625 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 624। तो आप कर सकते हैं आसानी से। अब देखें यहाँ आपका ये थर्ड क्वेश्चन आता है, देखिए ये 96 और 98 लिखा है, ठीक है। तो 97 - 1 करेंगे तो 96 आ जाएगा, 97 + 1 करेंगे तो 98 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये ए ए है, इसको स्क्वायर बना देंगे आप, ठीक। तो 97 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा यहाँ, क्योंकि 1 + 1 - इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम करते हैं 97 का स्क्वायर। तो जब आप 97 का स्क्वायर करेंगे, यानी 97 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो यही आएगा 9409। तो जब इसमें से आप -1 करेंगे तो 9408 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका चौथा आंसर यहाँ दिया गया, 322 है ना, 324, फिर 323 का स्क्वायर -1। तो देखिए ये भी 323 - 1 हो जाएगा, और ये 323 + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 323 का स्क्वायर है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ देख सकते हैं किस तरह से हम इसको स्क्वायर में बदल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला तो यही होता है। तो इस तरह से ये कट जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, क्यों, देखिए 323 यहाँ है, 323 यहाँ, तो 323 का स्क्वायर हो गया, ये -1 है, ये +1 है, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ -1 आ गया, तो आप इस तरह से इसे आसानी से कर सकते हैं, और ये यहाँ से कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। चलिए पांचवा पढ़ते हैं, यहाँ आपका क्या लिखा है, 605 का स्क्वायर -1 606, ठीक है। तो 605 का तो स्क्वायर है, ये हम इसको खोलेंगे तो ये 605 + 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये देखिए जहाँ से मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या है, जब हम इसको खोलेंगे तो इसका मतलब ये एक ऐसे ही एक ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक जैसे कटते हैं तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे सेम सेम है ना, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे लिखेंगे 605 - 1 तो ये माइनस करेंगे तो ये 604 बचेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए छठा। तो 71 और 73, तो इसको 72 - 1 और 73
टू प्लस वन कर लेंगे आराम से, देखिए 72 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ वन वन यहाँ अलग स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको आगे करेंगे तो ये देखिए इस तरह से, जब 72 का स्क्वायर करेंगे तो 5184 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा, ये इसको करेंगे तो 5183 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसे सबको सोल्व कर लेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।